आज तो सुबह से ही मूड में है, एकदम तैयारी रखी है ना? बिल्कुल। आराम से पी ले। पकोड़े, देसी दारू, लाल साड़ी और तेरी ये ब्लाउज। शादी में यही पहनी थी ना? फिगर अभी भी वैसा ही है। अरे अरे छोड़ छोड़ नहीं। ओहो तू छोड़ ना, तू इधर आ। तू चूमना कब सीखेगी? रुको, फट जाएगा, मैं करती हूँ। से तेरी नौटंकी चल रही है, इसके लिए? किसके लिए? हाँ, तू आ ना। कितनी बार बोला तुझे नहीं चाहिए बच्चा? डॉक्टर ने बोल दिया ना, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मैं तुझे अब भी ऐसे ही प्यार करता हूँ। तुझे तो सिर्फ बच्चा चाहिए, बच्चा बच्चा बच्चा। ये ताबीज, बाबा पंडित, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब बोल के सब खराब कर देता है, एक बार भरोसा तो करके देख। तू कर भरोसा तेरे ढोंगी बाबा पे। गाजीपुर छोड़े एक अरसा हो गया, लेकिन तेरे इस ढोंगी बाबा ने पीछा नहीं छोड़ा। अरे बच्चा आना होगा तो आ जाएगा, ऐसे बहला फुसला के। संध्या के उस पागलपन ने मुझे झकझोर दिया था। ऐसा उसने कई बार किया था मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे संध्या एक
सपने के पीछे भाग रही है जिसको हासिल करना अब नामुमकिन है, और मैं उसके इस पागलपन को एक गूंगे और असहाय दृष्टा की तरह महसूस कर रहा था। क्या मैं कुछ कर सकता हूं उसके इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए?
संध्या का मानना था शनिवार की सुबह सबसे पहले पीपल के पेड़ की पूजा करने से कोई भी मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन हर बार उसके पहुंचने से पहले एक लड़की वहां पहुंच जाती थी। संध्या की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसने जो मन्नत मांगी थी लग रहा था वो कभी पूरी नहीं होगी। संध्या कितनी भी कोशिश करती लेकिन वो लड़की उससे पहले ही पहुंच जाती थी। तो क्या भगवान उस लड़की की मन्नत पूरी करना चाहते हैं? मैं ये सोच के हैरान हो रहा था, क्या भगवान भी मेरी ही तरह एक मजबूर दृष्टा है, या वाकई में वो हमारे जीवन को एक नए रूप से लिख सकता है?
मुझसे शादी यार छोड़ मुझसे शादी कर नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं नहीं करने मुझे कोई शादी मेरी बात मुझे बिल्कुल परेशान नहीं चाहिए कुछ एक बार नहीं करने मुझे शादी और सच्चाई के बीच में फंसे हुए इस जीवन को एक सुनहरा मोड़ देने वाला लेखक तो सिर्फ वो ईश्वरी हो सकता है। हमारा किरदार तो उम्मीद और सच्चाई के बीच में जूझते रहना है।